प्रधानमंत्री स्वास्थ्य निधि योजना का अभी यहाँ काउंटर लगा हुआ है। आज शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत जोन 3 में शिविर लगाया गया है। जो शहरी सरकार है चाहे नगर निगम जिला प्रशासन, वो आम जनता तक पहुँचे। ये राशन कार्ड में क्या प्रॉब्लम है? ये अभी नवीनीकरण जो हो रहा है वो ही करवाना था सर। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72 की टीम आज शंकर नगर वार्ड में पहुंची हुई है, जहां पर नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत जन समस्या निवारण पखवाड़ा चल रहा है। पूरे रायपुर में यह कार्यक्रम जन समस्या निवारण शिविर चल रहा है और इसमें हर वार्ड में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज शंकर नगर न्यूज़ 72 पहुंची हुई है, जहां पर जन समस्या निवारण, यहां पर राशन कार्ड से संबंधित समस्या है, प्रधानमंत्री के आवास से संबंधित जिनको भी समस्या है मकान के लिए आवेदन भरा जाएगा, और स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। राशन कार्ड में जो समस्या है वो है स्वास्थ्य, बहुत सी शहर निगम से संबंधित नल की समस्या है, जल की समस्या है, सफाई की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इन सब समस्याओं को त्वरित काउंटर पर ही जन समस्या निवारण शिविर के द्वारा हल किया जाएगा। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक महोदय उत्तर के पुरंदर मिश्रा जी कुछ क्षणों को पश्चात आएंगे। पार्षद महोदय आ चुकी है, सुमन राम प्रजापति जी जोन के अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेंगे। मैं हमारे साथी बंधु से कहूँगा कि प्रत्यक्ष यहाँ पर ये काउंटर को दिखाएं किस प्रकार से वार्ड से लोगों का आना शुरू हो चुका है अपनी समस्याओं को लेकर। जो जो कमियां हैं आज सब यहां पर त्वरित हल किया जाएगा। आप देखते रहे न्यूज़ 72 शंकर नगर वार्ड पहुंची हुई है, जहां जन समस्या निवारण शिविर शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। यहां हमारे बीच में सुमन राम प्रजापति पार्षद जी उपलब्ध हैं, हम उनसे सीधे जुड़ रहे हैं आपको, और यहां पर किस प्रकार की समस्या है। सबसे पहले न्यूज़ 72 में प्रजापति महोदय आप पार्षद हैं, सबसे पहले आपको स्वागत है न्यूज़ 72। धन्यवाद। तो जन समस्या निवारण शिविर आज यहाँ पर आयोजित है, किन किन समस्याओं को यहाँ पर हल किया जाएगा, क्या क्या किन विषयों को लेकर यह आयोजन किया जाएगा? आज शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत जोन 3 में शिविर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत मतलब योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर शिविर लगाया गया है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा बहुत सारी योजना है, छोटी मोटी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए योजना शिविर लगाया गया है। शासन की जन कल्याणकारी योजना कौन कौन सी चल रही है, थोड़ा बताएं, आप सीधे सीधे जनता से जुड़ी है, जनता जानना चाहे। महतारी वंदन योजना है, राशन कार्ड योजना है, आधार कार्ड योजना है, और आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर राशन कार्ड जो नया बनने का था, पूरे लोगों को वार्ड में वितरण हो चुका है? अभी हो रहा है और कुछ कुछ अभी तक बाकी है आने को, लेकिन लगभग हो रहा है। जोन के अध्यक्ष प्रमोद साहू जी हमसे रूबरू हो रहे हैं, हम उनसे जानेंगे ये जन समस्या निवारण शिविर लगी है उस पर क्या कहेंगे। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ और जोन 3 का अध्यक्ष हूँ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकाय विभाग द्वारा जन समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, और उसी कड़ी में रायपुर नगर निगम में सभी 10 जोनों में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में जोन 3 के अंतर्गत शंकर नगर वार्ड में आज इस जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है, और यह देखने को मिल रहा है कि जो शहरी सरकार है चाहे नगर निगम जिला प्रशासन, वो आम जनता तक पहुँचे और आम लोगों की जो समस्याएँ हैं उनके व्यक्तिगत समस्या हो, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, मजदूरी कार्ड, आधार कार्ड लिंक करना हो या आधार कार्ड सुधारना हो इत्यादि उनके व्यक्तिगत कार्य, इसके अलावा उनके और भी जो आम समस्या है चाहे सड़क नाली जो प्रतिदिन के कार्य नगर निगम के हैं उनके भी निवारण का यहाँ पे प्रयास इस शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमोद भाई, हम जनरली देखते हैं शहर में हम घूमते रहते हैं, तो ये जो आयुष्मान कार्ड का लाभ बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, वो कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा नहीं होता है, तो ये कम से कम चिन्हित करना चाहिए कि कौन कौन से बीमारी उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड क्योंकि 5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर करता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा विस्तार। देखिए, प्राय सभी गंभीर जो बीमारियाँ हैं
और जिनको सर्वाइव करने में आम जनता गरीब जनता को तकलीफ़ होती है, ये सारे बीमारी आयुष्मान कार्ड में और बाकायदा शासन की ओर से यह सूचीबद्ध है, तो कोई भी ऐसा गंभीर बीमारी नहीं है जो इसके सूची से बाहर हो। और मैं तो यही आम जनता से अपील करूंगा कि कोई अस्पताल में इलाज के दौरान अगर ऐसी बात आती है तो हम सभी जनप्रतिनिधियों को वो बताएं, हम लोग अस्पतालों में जाके बात करेंगे। और शासन की ओर से आयुष्मान कार्ड को बनाने का उद्देश्य यही है कि सारी गंभीर बीमारियाँ इसमें कवर हो जाए। जैसे हम महिलाओं को सबसे बड़ी एक उम्र के बाद बच्चेदानी का प्रॉब्लम आता है, और बच्चेदानी वहाँ पर इलाज कराने जाओ तो कहा जाता है हॉस्पिटल कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड में नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा तो अभी तक मेरे पास कोई आया नहीं प्रकरण, लेकिन ये बच्चेदानी का ऑपरेशन भी आयुष्मान कार्ड कवर करता है। और मैं अपील करूँगा आम लोगों से कि यदि उन्हें इस प्रकार का जवाब कहीं अस्पतालों में मिलता है तो हम लोग को बताएं। वो नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं सी जया फैशन साड़ी से न्यूज 72 चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं बहनों सखियों से निवेदन करती हूँ। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बार सी जया फैशन साड़ी की दुकान में जरूर आए। हमारे यहाँ आपको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ कम दाम पर उपलब्ध होंगी। हमारा दुकान का पता है भाटा गांव आछी तालाब के सामने शीतला चौक रायपुर।